अपने टू व्हीलर का RC सर्टिफिकेट यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही डाउनलोड करके अपने फ़ोन में रख सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर आप अपने फ़ोन से ही किसी को भी दिखा सकते हैं। कैसे डाउनलोड करना है आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव प्रोसेस के साथ दिखाने वाला हूँ। सो है एवरीवन, मेरा नाम है शंकर और आप देख रहे हैं शंकर डिजिटल क्लासरूम। तो इस वीडियो को आप एंड तक वॉच कीजिएगा, तभी जा करके आप कंप्लीट प्रोसेस को समझ पाएंगे। और यदि हमारी वीडियो से आपकी थोड़ी भी हेल्प होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर रोज इसी प्रकार के यूनिक कॉन्टेंट्स अपलोड होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो का स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आकर के आपको टाइप करना है डीजी लॉकर। ये जो पहला डीजी लॉकर का ऐप यहाँ पर खुल करके आ जाएगा, आप इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल हो जाने के बाद इसे हम लोग ओपन करेंगे। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, नीचे में आप देख सकते हैं कंटिन्यू इन इंग्लिश। देन इस नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अगेन नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, लेट्स गो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन इस प्रकार का इंटरफेस दिखाया जाएगा। पहले में आपको यहां पर ऑप्शन दिखेगा साइन इन का। यदि आपके पास में डीजी लॉकर का अकाउंट है तो यहां पर जाकर के आप लॉग इन कर लीजिएगा। हमें वीडियो के माध्यम से आपको अकाउंट बनाने का प्रोसेस भी दिखाना है, उसके लिए नीचे में आप देख सकते हैं क्रिएट अकाउंट है, इसके ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। देन अकाउंट बनाने के लिए एक फॉर्म यहाँ पर खुल करके आ जाएगा। आपका नाम एज पर आधार यहाँ पर टाइप कर देना है। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, इस डेट पिकर के ऑप्शन से आप अपना सेलेक्ट कीजिएगा। पहले में आप यहां पर सेलेक्ट कीजिएगा अपना डेट, देन दूसरे में आप सेलेक्ट करेंगे मंथ, तीसरे में आप सेलेक्ट करेंगे आपका डेट ऑफ बर्थ का ईयर। देन आप मेल है या फीमेल आप अपने अकॉर्डिंग यहां पर सेलेक्ट करेंगे। अपना मोबाइल नंबर आप यहां पर टाइप कर दीजिएगा, ईमेल आईडी आप यहां पर रख दीजिएगा, 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन आप यहां पर डालेंगे, जैसे आप फोन पे गूगल पे पेटीएम में डालते हैं। उसके बाद नीचे में आप देख सकते हैं सबमिट का ऑप्शन है, इसके ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिएगा। आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड किया जाएगा, ओटीपी को आपको पर डाल देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबमिट का बटन, क्लिक कीजिए। देन आधार नंबर यहाँ पर आप डाल दीजिएगा, नीचे में आप देख सकते हैं नेक्स्ट का बटन है, क्लिक करेंगे। आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड किया जाएगा, ओटीपी को आपको यहां पर डाल देना है। नीचे में आप देख सकते हैं सबमिट का बटन है, इसके ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से आपका अकाउंट डीजी लॉकर में सेट। हमारे केस में हमारा अकाउंट यहां पर बना हुआ है, तो हमें यहां पर बताया जा रहा है अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो हमें यहां पर साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक करना है और लॉग इन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलेगा। पहले में आपको दिखेगा मोबाइल नंबर, दूसरे में आप यूजर नेम से लॉगिन कर सकते हैं, तीसरे में आप आधार नंबर डाल करके लॉगिन कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं आधार का, इसके ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिएगा। लॉगिन करने के लिए अपना आधार नंबर यहाँ पर डाल देंगे, इस नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड किया जाएगा, ओटीपी को यहाँ पर डाल देंगे, इस चेकबॉक्स पर आपको क्लिक रहने देना है। नीचे में आप देख सकते हैं सबमिट का बटन हाईलाइट हो जाएगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। आपका सिक्योरिटी पिन क्या है यहाँ पर आप डाल दीजिएगा, नीचे में आप देख सकते हैं सबमिट का बटन, क्लिक कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से लॉग इन होकर के आप डीजी लॉकर के डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपका नाम दिखाया जाएगा और आपका प्रोफाइल पिक्चर दिखाया जाएगा। इसका मतलब है आपने अपना डीजी लॉकर में अकाउंट सक्सेसफुली बना भी लिया है और यहाँ पर आपने लॉग इन भी कर लिया है। अपने बाइक का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि RC डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्च का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। देन अगेन सर्च फॉर डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिएगा, तो फर्स्ट में ही यहाँ पर आपको शो हो जाएगा रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स। यदि आपको यह शो नहीं होता है तो सिंपली इस सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको टाइप करना है रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल। पहले में ही यहाँ पर यह आ जाएगा रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल, सिंपली इसके ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिएगा। ऑल स्टेट्स का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख जाएगा, इसका मतलब है आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते होंगे। अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आप यहीं पर से डाउनलोड कर सकते हैं अपने फोन से। इस प्रकार से ओपन होकर के यहाँ पर यह आ जाएगा। आपका नाम इस पर आधार यहाँ पर ऑलरेडी रहे। आपके बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है यहाँ पर आप डाल दीजिएगा। बाइक का चेचिस नंबर क्या है यहाँ पर आप डाल दीजिएगा। इस चेकबॉक्स पर आपको क्लिक रहने देना है। यहाँ नीचे में आप देख सकते हैं गेट डॉक्यूमेंट का बटन है, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। फेचिंग के प्रोसेस में यहाँ पर आ जाएगा, आपको थोड़े देर का यहाँ पर वेट कर लेना है। फाइनली आपका RC यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फेच होकर के यहाँ पर आ जाएगा, आपको इसके ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आपके मोटरसाइकिल का RC यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पर खुल करके आ जाएगा। आप इसे किसी भी अथॉरिटी को, पुलिस को दिखा सकते हैं, कोई भी एक्सेप्ट करने से इसे मना नहीं करेगा। इस सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना चाहते हैं या शेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको बैक के ऑप्शन पर क्लिक करके पीछे चले जाना है। देन इस प्रकार से यहाँ पर जब आ जाएगा, इसके बगल में आप देख सकते हैं 3 डॉट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है।
इस सर्टिफिकेट को वापस से आपको किन्हीं को दिखाना होगा तो व्यू के ऑप्शन पर क्लिक करके आप किन्हीं को भी दिखा सकते हैं। सर्टिफिकेट को शेयर करना होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शेयर का ऑप्शन है, क्लिक करके किसी को भी व्हाट्सएप से जीमेल से शेयर कर सकते हैं। सर्टिफिकेट को एज ए पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो तीसरे में आपको ऑप्शन दिखेगा व्यू पीडीएफ, इसके ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। फाइनली आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है यहाँ पर आपको आकर के शो हो जाएगा। इसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में आपको इंश्योरेंस का डिटेल्स भी शो हो जाएगा, पीयूसी यानी कि पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल का भी सर्टिफिकेट शो हो जाएगा, यहाँ पर आपका फिटनेस कब से अप टू डेट है वो भी यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, वेरीफाइड डॉक्यूमेंट है और डिजिटली साइन का ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर डाउनलोड का बटन है, इस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। किन्हीं को शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको शेयर का बटन मिल जाएगा। तो इस प्रकार से 2024 में आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से अपने बाइक का RC यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप अपने बाइक का इंश्योरेंस सर्टिफिकेट अपने मोबाइल फोन से ही कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे आगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाइक फ्रेंड्स।